नमस्कार, मैं राहुल सिंह स्वागत करता हूं आपका INS न्यूज में। आइए बढ़ते हैं आज के खास खबरों पर। उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद में शहर के बीच नारायण ट्रांसपोर्ट के एक ट्रक पर SDM के अधिकारियों ने छापा मारकर करीब करीब 2.5 लाख रुपए का गुटखा बरामद किया। SDM अधिकारियों के अनुसार यह गुटखा शहर में चोरी छुपे लाया जा रहा था। फिलहाल SDM ने ट्रक के ड्राइवर को अपनी हिरासत में ले लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। 1.5 घंटे पहले सूचना मिली कि अवैध रूप से जो है नारायण ट्रांसपोर्ट का लदा हुआ ट्रक आया है। उस संबंध में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट था और हम लोग तत्काल यहां पर आकर के छापा मारा गया, जिसमें बरामद हुआ गुटखा करीब 2.5 लाख का गुटखा जो है अभी तक निकला है। बाकी अवैध रूप से जो है पान मसाला और तंबाकू का भी बरामद हुई है। इस संबंध में टेक टैक्स अधिकारी गढ़ को बुलाया गया, वो अपने स्तर से जांच कार्रवाई कर रहे हैं। अवैध गुटखे के संबंध में प्रशासनिक रूप से आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, लेकिन यह है कि इसमें अवैध रूप से नारायण ट्रांसपोर्ट का ट्रक उस पर लगा हुआ पाया गया।